मूवी की शुरुआत में हम जुरासिक पार्क को देखते हैं। ये एक ऐसा पार्क होता है जहाँ पर मिलियन सालों पहले विलुप्त हो गए अलग अलग स्पीसीज के डायनासोर को उनके डीएनए की मदद से क्लोनिंग करके आज भी जिंदा करके रखा गया है। जब जुरासिक पार्क के वर्कर एक वेलोसिराप्टर स्पीसीज के डायनासोर को एक केज में बंद कर रहे होते हैं तो वो डायनासोर एग्रेसिव हो जाता है और जैसे ही एक वर्कर उस कंटेनर को ओपन करने जाता है तो वो उसको पकड़ लेता है। सभी मिलकर उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग उसको नहीं बचा पाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुरासिक पार्क के कुछ वर्कर एक जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन हैमंड से मिलने के लिए एक गवर्नमेंट लॉयर डोनाल्ड आता है। तभी यहाँ पर खुदाई कर रहे वर्कर को जमीन के नीचे से एक पत्थर मिलता है जिसमें एक मच्छर होता है। इस बात से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली को देखते हैं जिनको मोनाटा में एक डायनासोर का स्केलेटन मिला होता है और वो लोग अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। डॉक्टर एलन की टीम कंप्यूटर से जब वहाँ पर चेक करती है तो पाती है कि ये एक वेलोसिराप्टर स्पीसीज का स्केलेटन है। इसके बाद एलन और एली रेस्ट करने के लिए अपनी बैंड की तरफ आते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है जिसे चारों तरफ रेत उड़ने लगती है। एलन हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उसके फैन को बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि रेत उड़ने से यहाँ पर मिले हुए स्केलेटन को नुकसान पहुँच सकता था। इसके बाद जब एलन अपनी वैन में जाता है तो वहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसने उसकी ड्रिंक की बोतल को ओपन कर दिया था। तभी डॉक्टर एली भी यहाँ जाती है। ये दोनों उस आदमी पर काफी गुस्सा होते हैं। इसके बाद वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अपना नाम जॉन हैमंड बताता है। वो उनसे बताता है कि कोस्टा रिका आइलैंड पर मेरा एक बायोलॉजिकल पार्क है और वो एक ऐसा पार्क है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा लेकिन मुझे इस बारे में आपकी ओपिनियन चाहिए जिससे कि हमें उस पार्क को पब्लिकली ओपन करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए। इस पर ये दोनों लोग हैमंड से कहते हैं कि हम लोग अभी काफी बिजी हैं क्योंकि हमने अभी अभी एक नए स्केलेटन को खोजा है। हैमंड कहता है कि मैं अगले 3 सालों के लिए आपके पूरे काम का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। इसे सुनकर ये दोनों लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम कोस्टा रिका में डॉडसन और डेनिस को देखते हैं। डॉडसन डेनिस के साथ आइलैंड के 15 स्पीसीज के एम्ब्रोश लाने की डील करता है और इसके बदले वो उसको $1.5 million देने का वादा करता है जिसकी आधी रकम वो अभी दे देता है। डॉडसन एम्ब्रोश को लाने के लिए उसे बोतल जैसी कंटेनर देता है ताकि किसी को शक भी न हो और काम भी हो जाए। अगले सीन में हम एक हेलीकॉप्टर में एलन एली और हैमंड के साथ लॉयर डोनाल्ड और डॉक्टर मेलकम को देखते हैं। डोनाल्ड ने डॉक्टर मेलकम को पार्क की सेफ्टी को चेक करने के लिए अपनी ओर से इनवाइट किया था। कुछ समय बाद ये सभी लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहां पर लैंड करने के बाद सभी लोग जीप में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं और कुछ ही समय बाद आइलैंड के एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि इनके सामने एक 30 फीट लंबा डायनासोर था। उसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। हैमंड इन्हें बताता है कि ये टीरेक्स जितनी यानी कि 32 miles per hour की स्पीड से भाग सकते हैं। ये सभी लोग तब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब इनके सामने डायनासोर्स का एक पूरा झुंड था। एलन हैमंड से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे बनाया। इसके बाद हैमंड इन्हें अपने एम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। इसको बनाने में इसने सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया था। हैमंड इन सभी को यहाँ पर अपनी पहले से रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो दिखाता है कि कैसे उसने इन डायनासोर को बनाया। हैमंड बताता है कि हमारी एक बूंद खून में करोड़ों डीएनए लाइव्स होती हैं। डीएनए लाइव्स की बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है और डायनासोर जो आज से लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे वो कभी कभी अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट यहाँ पर छोड़ जाते हैं। हैमंड आके बताता है कि लाखों साल पहले भी मच्छर होते थे जैसे कि आज होते हैं जो जानवरों का खून चूसते थे और वैसे ही कभी कभी डायनासोर का खून चूसने के बाद वो पेड़ों पर बैठ जाते थे और उसकी गोंद में चिपक जाते थे जो काफी सालों तक वैसे ही रहने के बाद फॉसिल बन जाते थे और उसमें डायनासोर का ब्लड मच्छर के बोन में सुरक्षित रहता था। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मच्छर के बोन से डायनासोर के ब्लड को निकाला और इस ब्लड के डायनो डीएनए मिलने के बाद उसके टूटे हुए जेनेटिक कोड के सीक्वेंस को एक मेंढक के डीएनए से पूरा किया और उसके बाद हमें मिला एक बेबी डायनासोर। जब ये वीडियो खत्म हो जाती है तो हैमंड इन सभी को अपनी एक लैब में ले जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग वेलोसिराप्टर स्पीसीज के बेबी डायनासोर को अंडे से निकलते हुए देखते हैं। यहाँ का एक साइंटिस्ट बताता है कि हमने यहाँ के सभी डायनासोर के क्रोमोसोम्स को चेंज करके फीमेल बना दिया है जिससे कि इनकी ब्रीडिंग को रोका जा सके यानी कि कोई भी डायनासोर अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सभी के सभी स्पीसीज के डायनासोर्स फीमेल यानी कि मादाएं हैं। इस पर मेलकम उस साइंटिस्ट से कहता है कि इवोल्यूशन को कंट्रोल करना हम सभी के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद हैमंड इन सभी को एक बड़े वेलोसिराप्टर को दिखाने के लिए ले जाता है जिसको एक केस के अंदर बंद करके रखा गया था। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट इनको बताता है कि वेलोसिराप्टर अपने जन्म के 8 महीने के बाद बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाती है इसी कारण से इनको केज के अंदर बंद करके रखा जाता है। इसके बाद सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मेलकम हैमंड को समझाने की कोशिश करता है कि उनके साइंटिस्ट यहाँ की नेचर के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर एली भी इनकी बात से सहमत होती है लेकिन
लेकिन हैमंड इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसने इन सबको इसीलिए नहीं बल्कि फेवर में बोल लेने के लिए बुलाया था। तभी हैमंड से मिलने उसके ग्रैंडसन टिम और ग्रैंड डॉटर लेक्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हैमंड इन सभी लोगों को पार्क में घूमने के लिए भेज देता है। ये सभी लोग यहाँ की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठकर पार्क की सैर करने के लिए निकल जाते हैं और इन गाड़ियों को कंट्रोल रूम के अंदर से ही कंट्रोल किया जा रहा था, जहाँ पर हैमंड भी मौजूद था। जुरासिक पार्क में सबसे पहले ये लोग डायलोफोसोरस नाम के एक डायनासोर को देखने के लिए जाते हैं। ये सभी लोग उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन वो डायनासोर इनके सामने आता ही नहीं। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब टीरेक्स को देखने के लिए उसके केज के पास आ जाते हैं, लेकिन वो भी बाहर नहीं आता। पार्क के साइंटिस्ट उसे बाहर लाने के लिए उसके लिए एक बकरी का चारा भी देते हैं, लेकिन फिर भी टीरेक्स बाहर नहीं आता, जिससे इन सभी का मन उदास हो जाता है। ये भी लोग वहाँ से आगे जाते हैं तो इनको एक बीमार ट्राइसरटॉप्स दिखता है। सभी लोग उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ पार्क के साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक तूफान इस आइलैंड की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये लोग पार्क के टूर को यहीं पर रोकने का डिसाइड करते हैं और सभी लोगों को वापस आने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से वापस आने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर एली उस बीमार पड़े ट्राइसरटॉप्स के पास रुक जाती है। हैमंड अपने पार्क के फर्स्ट टूर को बीच में ही कैंसिल कराने से काफी दुखी था, क्योंकि ये सब उसके जुरासिक पार्क के रिप्यूटेशन के लिए ठीक नहीं था। इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल रूम में उसी आदमी को देखते हैं जिसने डॉडसन को 15 स्पीसीज के एम्ब्रॉयज देने की डील की थी। इसका नाम डेनिस होता है, जो हैमंड की टीम में ही होता है, लेकिन वो यहाँ की रिसर्च को चुरा कर अपनी टीम के साथ धोखेबाजी कर रहा था। वो एम्ब्रॉयज को यहाँ से चुराने के लिए एक प्लान बनाता है। वो हैमंड और आर्नल्ड से कहता है कि एक छोटी सी बग के कारण सिस्टम का कुछ हिस्सा 20 मिनट के लिए ऑफ होने वाला है, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद वो पूरे सिस्टम को हैक करके वहाँ पर एक टाइमर लगा देता है और वो टाइमर जैसे ही पूरा होता है तो एम्ब्रियो स्टोरेज वाली रूम का सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाता है। डेनिस अंदर चला जाता है और वहाँ पर रखे सभी एम्ब्रॉयज को चुरा लेता है और उसे डॉडसन के दिए हुए कंटेनर के अंदर रख लेता है। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये लोग जब गाड़ी में बैठकर पार्क से वापस आ रहे होते हैं तो पार्क के बीच में ही इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, क्योंकि डेनिस ने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया था ताकि वो एम्ब्रॉयज को आसानी से चुरा सके। खैर, धीरे धीरे पार्क में लगे हुए इलेक्ट्रिक फेंस का सिस्टम भी बंद होने लगता है। ये देखकर हैमंड और उसकी टीम घबरा जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फेंस के बंद होने से डायनासोर आजाद हो सकते थे और यहाँ पर तबाही ला सकते थे। हैमंड की टीम सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेनिस ने मेन सिक्योरिटी ग्रिड पर ही पासवर्ड लगा दिया था, जिसकी वजह से हैमंड की टीम कुछ भी नहीं कर पाती। हैमंड इससे काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों गाड़ियां टीरेक्स डायनासोर के केस के पास ही बंद पड़ गई थी। तभी टीम की गाड़ी में हलचल महसूस होने लगती है और वहाँ पर गिलास में रखी हुई पानी भी हिलने लगता है। तभी लेक्स नोटिस करती है कि टीरेक्स के केस के पास जो बकरी थी अब वो गायब है। तभी इनकी गाड़ी के ऊपर उस बकरी के मांस का एक टुकड़ा गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तभी इनकी नजर टीरेक्स पर पड़ती है। डोनाल्ड डर कर वहाँ से भागकर एक टॉयलेट में छुप जाता है। अब इस गाड़ी में लेक्स और टीम अकेले होते हैं। तभी एलन और मेलकम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंस की इलेक्ट्रिसिटी के बंद होने से टीरेक्स अब उसे तोड़कर बाहर आ गया है। सभी लोग इससे काफी डर जाते हैं। लेक्स को अपनी गाड़ी के टूल बॉक्स में एक टॉर्च मिलती है और वो उस टॉर्च को जला देती है। इसे देखकर टीरेक्स उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गाड़ी के ऊपर लगी हुई शील्ड टूट जाती है और खुद को बचाने के लिए ये दोनों उस शील्ड को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगले ही पल टीरेक्स इनकी गाड़ी को पलट देता है। एलन उनकी जान बचाने के लिए गाड़ी के टूल बॉक्स में पड़ी एक फ्लेयर लाइट जलाकर टीरेक्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है। टीरेक्स जब इनकी तरफ बढ़ता है तो वो अपनी फ्लेयर लाइट को जंगल में फेंक देता है, लेकिन तभी मेलकम भी एक फ्लेयर लाइट जला देता है, जिससे टीरेक्स अब उसके पीछे पड़ जाता है। मेलकम भी टॉयलेट में छुप जाता है, जिसके बाद टीरेक्स उस टॉयलेट को ही तोड़ देता है। मेलकम वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन अब डोनाल्ड टीरेक्स के बिल्कुल सामने था और वो उसे कच्चा चबा जाता है। इधर एलन गाड़ी में फंसी हुई बच्चों को बचाने में लग जाता है। वो किसी तरह लेक्स को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन टिम अभी भी गाड़ी के अंदर ही फंसा था। तभी लेक्स बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि टीरेक्स उसके बिल्कुल सामने था। एलन अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि टीरेक्स हलचल होने पर अटैक कर देती है। अब टीरेक्स गाड़ी को धकेलने लगता है, जिससे गाड़ी दूसरी तरफ घूम जाती है। अब एलन और लेक्स गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। इनके पीछे एक कंक्रीट की दीवार होती है, जहाँ से कुछ वायर लटकी होती है। एलन लेक्स के साथ एक वायर पकड़कर वहाँ से लटक जाता है। तभी एलन देखता है कि गाड़ी उसके ऊपर ही गिरने वाली है। वो गाड़ी इनके ऊपर गिरती इससे पहले ही एलन दूसरी साइड वाली वायर को पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों मरते मरते बचते हैं और वो गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ पर गिर जाती है। टिम अभी भी उसी गाड़ी के अंदर फंसा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अब कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी है। हैमंड अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो भी खतरे में थे। वो उनको लाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट को भेजता है और एली भी उसके साथ वहाँ पर जाती है। इधर डेनिस जब एम्ब्रॉयज को लेकर भाग रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी जाकर कीचड़ में फंस जाती है। इसके
जिसके बाद वो अपनी गाड़ी वहाँ से निकालने के लिए उसकी गाड़ी में लगी हुई वायर को एक पेड़ से बांधने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डाइलोफोसोरस स्पीसीज का एक बेबी डायनासोर आ जाता है। वो बेबी डायनासोर उसके चेहरे पर अपनी पॉइजन को फेंकता है। डेनिस दर्द से चिल्लाने लगता है और गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो बेबी डायनासोर वहाँ पर आकर उसे मार डालता है और डेनिस ने जिस कंटेनर में एम्ब्रॉयस को रखा था वो भी उसकी जेब से गिर जाती है और कीचड़ में धस जाती है। दूसरी तरफ एलन और लेक्स अब वायर की मदद से नीचे उतर गए थे। एलन देखता है कि टिम गाड़ी के अंदर ही पेड़ पर फंसा हुआ है। वो उसको बचाने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। टिम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। एलन उसे गाड़ी के अंदर से निकालने के बाद उसके साथ नीचे उतरने लगता है, लेकिन गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। इसके बाद ये दोनों काफी तेजी से नीचे उतरने लगते हैं, पर जैसे ही नीचे पहुंचते हैं गाड़ी फिर से इनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन इनको चोट नहीं पहुंचती। अब इन लोगों को ढूंढते हुए रॉबर्ट और एली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ी बंद हो गई थी। ये दोनों पाते हैं कि यहां पर कोई भी नहीं है और दूसरी गाड़ी भी गायब है। दोनों काफी घबरा जाती हैं और दूसरी गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। तभी इनको बेहोश पड़ा मेलकम मिलता है जो जख्मी हो गया था। वो उसे जगाने के बाद गाड़ी में बैठा देती है। इसके बाद एली को दूसरी कार भी दिख जाती है। ये लोग चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर इनको डायनासोर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर टीरेक्स आकर उनका पीछा करने लगता है। वो डायनासोर इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग टीरेक्स से अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जिसके साथ वो दोनों बच्चे टिम और लेक्स भी थे। इन सभी को डायनासोर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप जाती हैं। वहाँ से इनको दूसरी तरफ शाकाहारी डायनासोर दिखाई देती हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखकर ये तीनों काफी खुश होती हैं। इसके बाद ये तीनों उसी पेड़ के ऊपर रात बिताने लगते हैं। हवेली को हम हेमंड के साथ देखते हैं। हेमंड एली को बताता है कि वो एक ऐसा पार्क बनाना चाहता था जहाँ पर हर एक चीज रियल हो, इसे लोग छू सकें और उनको महसूस कर सकें। लेकिन इस बार जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, अगली बार मैं उन सभी मिस्टेक्स को दूर कर दूंगा। इस पर एली कहते हैं कि इस पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और तुम अगर ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। इस समय हमारे लिए एलन लेक्स और टिम की जान को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ही बनाए गए डायनासोर से खतरा है। अगले दिन जब एलन लेक्स और टिम की आँख खोलती है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा शाकाहारी डायनासोर होता है। ये तीनों उसे छूते हैं और जैसे ही लेक्स उसे छूने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर छींक देता है, जिसके बाद ये तीनों नीचे आ जाते हैं। अब जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एलन को एक पेड़ के नीचे डायनासोर के कुछ फूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। ये देखकर एलन समझ जाता है कि ये डायनासोर ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ डायनासोर ने अपने आप को मादा से नर में बदल लिया है। टीम एलन से कहता है कि जब सभी डायनासोर फीमेल है तो वो ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एलन बताता है कि इन लोगों ने डायनासोर के डीएनए के जेनेटिक कोड के गैप को मेंढक के डीएनए से कंप्लीट किया था और कुछ अफ्रीकन मेंढक में अपनी सेक्स को चेंज करने की एबिलिटी होती है और डायनो डीएनए में मेंढक के डीएनए के मिलने से उनमें भी ऐसी एबिलिटी आ गई है, जिस वजह से उनमें से कुछ डायनासोर्स ने अपनी सेक्स को चेंज कर लिया है और अब वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। इधर हेमंड और उसकी टीम के पास पार्क के पूरे सिस्टम को फिर से ऑनलाइन लाने के लिए एक ही तरीका बचा था, पूरे सिस्टम को रिबूट करना। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने सिस्टम को कभी भी रिबूट नहीं किया था और डर था कि कहीं पूरा सिस्टम बंद ना हो जाए, लेकिन हेमंड के फोर्स करने के बाद ये लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरे सिस्टम को रिबूट करते हैं। इसके बाद पूरा सिस्टम अब ठीक हो जाता है, लेकिन सिस्टम के इमरजेंसी कंपाउंड को ऑन करने के लिए अब इनको मेंटेनेंस शेड तक जाना पड़ेगा, जिससे कि रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ एलन लेक्स और टीम चलते चलते खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको बहुत सारे डायनासोर का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। ये तीनों भाग कर एक सूखे हुए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। इतने सारे डायनासोर को देख कर ये सभी काफी हैरान होती है। तभी यहाँ पर एक टीरेक्स आ जाता है और एक डायनासोर को खा जाता है। ये देख कर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मेंटेनेंस शेड तक जाने के लिए रॉबर्ट और एली बाहर आ जाती है। ये दोनों मेंटेनेंस शेड की तरफ बढ़ने लगती है और उसके नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेलोसीरैप्टर आ जाता है। रॉबर्ट एली को सेट की ओर भागने के लिए बोलता है, जिससे कि रिबूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सके। इसीलिए एली दौड़ते हुए उस शेड के अंदर चली जाती है। वॉकी टॉकी पर हेमंड एली को गाइड करता है और एली उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाती है। इधर एलन लेक्स और टिम एक इलेक्ट्रिक वॉल के पास पहुंच जाती हैं। जब एलन कंफर्म कर लेता है कि इनके वायर में करंट नहीं है तो ये तीनों उस वॉल को पार करने के लिए उस पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ हेमंड एली को पावर ऑन करने के लिए गाइड करता है। हेमंड के मिलने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एली पावर को ऑन कर देती है। इधर इलेक्ट्रिक वॉल को एलन और लेक्स पार कर चुके होते हैं, लेकिन टिम अभी ऊपर ही
भी होता है और तभी इनको पावर के ऑन होने की अलार्म सुनाई देती है। इससे टिम घबरा जाता है। उधर एली अब एक एक करके सभी फैंस के पावर को ऑन करने लगती है। एलन टिम को वहाँ से कूदने के लिए कहता है, तभी एली इसके पावर को भी ऑन कर देती है। इससे टिम को 10,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सेम टाइम पर इधर मेंटेनेंस शेड के अंदर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है और वो एली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैसे भी करके एली खुद को बचा लेती है। तभी एली के शोल्डर पर एक कटा हुआ हाथ गिरता है, जिसे देखकर एली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अब रॉबर्ट को भी दो वेलोसिरैप्टर बड़ी ही चालाकी से मार डालते हैं और कच्चा चबा जाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से टीम की सांसें बंद हो चुकी थी, इसीलिए एलन अपने मुंह से उसे सांस देने में मदद करता है और टीम कुछ देर बाद होश में आ जाता है। इसे देख एलन और लेक्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एलन टीम को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में आता है और यहाँ पर लेक्स और टीम को बैठाकर एली को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। वो भी कुछ ही दूर गया होता है, तभी एली उसे मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। जब लेक्स और टीम अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बैठे होते हैं तो यहाँ पर दो वेलोसिरैप्टर आ जाती हैं। लेक्स और टीम यहाँ से भागकर किचन में चले जाती हैं और दरवाजा बंद करके वहीं पर छुप जाते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर किचन का दरवाजा खोलकर अंदर चले आती हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए लेक्स और टीम किचन के अंदर ही अलग अलग जगह पर छुपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों इनका पीछा नहीं छोड़ते। लेक्स इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ बर्तन फेंक कर मारती है। कुछ देर बाद यहाँ पर एलन और एली भी आ जाती हैं। सभी लोग भागकर कंट्रोल रूम में चले जाती हैं। इनका पीछा करते वो डायनासोर यहाँ भी आ जाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि पूरा सिस्टम तो ऑन हो चुका था, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी लॉक था, इसीलिए वेलोसिरैप्टर दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलन और एली उस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और उनको अंदर आने से रोकते हैं। अब लेक्स को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता था। वो पार्क के सारे सिस्टम को ऑनलाइन करने में लग जाती है और कुछ देर कोशिश करने के बाद वो सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑनलाइन कर देती है। अब पार्क का पूरा सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। एलन हैमंड के पास फोन करता और उसे बताता है कि दोनों बच्चे सेफ हैं और हमें यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पर जल्दी से एक हेलीकॉप्टर मंगवाओ। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वेलोसिरैप्टर ग्लास को तोड़कर अंदर चले आती हैं। उनसे अपनी जान बचाने के लिए ये लोग उस रूम के वेंटिलेशन वाली जगह से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी इन पर अटैक कर देती है, जिससे लेक्स नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने के बाद अम्यूजमेंट पार्क में चले आते हैं और यहाँ पर डायनासोर के स्केलेटन पर चढ़कर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो वेलोसिरैप्टर आ जाती हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये लोग वहाँ से गिर जाते हैं। अब ये लोग वेलोसिरैप्टर से गिर चुके थे, ये इन पर अटैक करने ही वाले होते, लेकिन इससे पहले यहाँ पर टीरेक्स आकर उनमें से एक वेलोसिरैप्टर को खा जाता है। ये देखकर यहाँ पर मौजूद दूसरा वेलोसिरैप्टर इस टीरेक्स पर अटैक करने लगता है। इसी बीच इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग वहाँ से भाग कर बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हैमंड मेलगम के साथ में यहाँ पर एक गाड़ी लेकर आ जाता है। सभी लोग इस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलन भी हैमंड को इस पार्क को बंद करने की सलाह देता है। कुछ देर बाद ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। हैमंड अपने सद्भुत पार्क के ड्रीम को पूरा होते हुए ना देखकर काफी उदास था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन सही सलामत थे। अब सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से निकल जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए एक्सपीरियंस काफी भयानक, नया और रोमांचक था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।